नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरा बॉक्स एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो ए प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पर इससे कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको इसे एग्री कर देना होगा। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। आप अपने गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप साइन अप कर सकते हैं एंड अपने फेसबुक से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं करूँगा अपने गूगल से यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब करने के बाद यहाँ पे इनेबल ऑटोमेटिक, यहाँ पे बैकअप, आप बैकअप इसे इनेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने को बोल रहा है, यदि आप इसे लेना चाहते हो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इस पेज को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देख कॉर्नर पर देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन है, आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी आप इस यहाँ से डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस पेज को भी स्किप करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल इस यहाँ पे फाइनल इंटरफेस पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरफेस है, अब यहाँ से देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 1024 यानी 1 GB डाटा आपको यहाँ पे स्टोर फ्री में मिल चुका है। अब इस स्टोर से आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और किसी के पास शेयर कर सकते हैं अब 1 GB में। तो यहाँ पे हम जानेंगे किस प्रकार से इसमें आप जो इस 1000 GB यानी जो है 1024 GB यहाँ पे हैं तो इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या फ्रेंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ में इसका जो प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन होता है तो इसमें कुछ ज़्यादा ही आपको स्टोरेज मिलते हैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के एंड शेयर करने के, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप किसी फ्रेंड को यदि इनवाइट करते हैं, शेयर करते हैं तो ये जो सब्सक्रिप्शन है आपको फ्री में मिल जाता है। एंड यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे ट्रांसफ़र लिस्ट पे यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी वीडियो डाउनलोड करेंगे या अपलोड किए रहेंगे सब कुछ यहाँ पे शो होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट आप जो फोटो वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कोई एक फ़ोटो वीडियो हम अपलोड करके आपको दिखा देते हैं कि आपको कैसे यहाँ से इस ऐप्स का यूज़ करके आप फोटो वीडियो यूज़ करके यहाँ पे अपलोड करके आप किसी दूसरों के पास शेयर कर सकते हैं जो काफ़ी दूर है आपसे, बट आप लॉन्ग फाइल यदि किसी के पास सेंड करते हैं जैसे मूवी पिक्चर यदि आप किसी के पास सेंड करते हैं तो वो फ्रेंड आपका दूर है तो आप किस प्रकार से सेंड करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट इसे अपलोड करके लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फोटो, पहले एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लीजिए अपने गैलरी से, फिर उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप कितने भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 1024 GB यानी 1 TB डाटा स्टोरेज आपको इसमें फ्री मिलता है, आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इसमें अपलोडिंग का जो स्पीड होता है काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे यूज़ किया तो इसमें जो अपलोडिंग का जो स्पीड है यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अपलोड भी हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ इसे जैसे अपलोड कर चुके हैं तो अब इसे किसी के पास यदि इसे आप शेयर करते हैं तो आप बड़ी आसानी से आप जो है शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप शेयर वाले ऑप्शन पर आपको टैप कर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे वीडियो है यानी इमेज है यहाँ पे शो हो जा रहा होगा। अब आपको यदि किसी यहाँ पे वीडियो भी अपलोड करना हो तो वीडियो वाले सेक्शन पे आप टैप करके आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं एंड बैकअप वाला वीडियो इसे भी इनेबल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप भी कर सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पे चलिए जान लेते हैं इसके कैसे शेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पे नीचे एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट टू शेयर, आप चाहे जो भी फाइल को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इस फाइल इसको आप यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जो भी फाइल यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इमेज ही है, यहाँ पे हम इमेज को चलिए हम व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक इमेज है, इमेज को हम शेयर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यदि अब वो फ्रेंड मेरी इस फ़ोटो को देखना चाहते हो तो बड़ी आसानी से इस लिंक के मदद से वो वेब ब्राउज़र के थ्रू आप जी ब्राउज़र के थ्रू वहाँ इसे देख सकता है एंड इसे सेव कर सकता है। यदि इसी प्रकार से वीडियो भी डाउनलोड कर सकता है, यदि मूवी कोई आप किसी के पास भेजें तो लिंक के थ्रू जो है आपका वीडियो फ़ोटो सब कुछ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जो इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड तो बस आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।